तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का एक ब्लॉग बताओ या फिर कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो बताओ अपने इस ब्लॉग से रिलेटिव, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ का ये वीडियो रहने वाला है। ये वीडियो रहने वाला है, मैंने लिया है हीरो का GoPro 11। आप देख सकते हैं GoPro 11, इसको मैंने वैसे तो कल ही अनबॉक्स कर दिया है, लेकिन वीडियो बनाना कल पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने आज इसका पूरा एक मोटो सेटअप जो होता है मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये GoPro दिखाता हूँ, GoPro हीरो ब्लैक 11 जो है। मैंने वैसे तो इसको अनबॉक्स कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते आप साइड से एकदम लियान ब्लैक करके लिखा है, सामने पे डुअल साइड स्क्रीन है, ये एकदम बहुत मस्त है। काफ़ी अच्छा फीचर्स मेरे को जो इसमें दिखे वो 10 से काफ़ी अच्छे इसमें है, और 11 और 12 लगभग सेम है। बस फर्क कितना है कि जो नीचे लगे हुए बस इसमें डायरेक्ट रहता है, इसमें 12 में 11 वाले में डायरेक्ट नहीं रहता। देख सकते हैं आप इस तरह से जो आप माउंट करते हैं, और इसके साथ मैंने क्या क्या एसेसरीज लिए ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो मैंने लिया ये यूलान जी का क्या केस ले रखा है, GoPro वाला केस जो होता है ना यहाँ पर हेलमेट में लगाने के लिए, मतलब पूरा सेफ कर देता है कैमरा, डैमेज नहीं करता, अगर गिरते भी है तो उसको डैमेज नहीं करता। एक मैंने ये चीज़ ले रखा है, और इसके साथ ले रखा है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब कि आप इसको वॉइस कैसे देंगे। मोटो ब्लॉगिंग होता है ना, विंड विंड का बहुत ज़्यादा रहता, तो उसके लिए हमने ला रखा है एक क्या एडेप्टर, GoPro का एडेप्टर आता है, लगभग 4000 रुपये का होगा, और GoPro का प्राइस मैंने शायद आपको बताया ही होगा, तो GoPro का 11 का प्राइस है 32,000, हाँ 32,000 है, और 1200 के अराउंडिंग ये मेरे को पीस पड़ा। और बाकी मैंने ऑनलाइन माइक ऑर्डर किया हुआ है उसका, M1O करके, मैं उसका लिंक क्या नाम डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा जितनी भी मेरे पास ये आइटम्स है। और बाकी बस इतनी चीज़ थी, और आज का ब्लॉग सिर्फ मेरा यही बताना था कि भाई GoPro 11 जो मैंने अनबॉक्स किया है, इसके फीचर्स तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई हाँ वीडियो क्या क्वालिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या, सारा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाला हूँ। और आज की वीडियो में बस यही दिखाना चाहता था कि भाई वैसे मैं डीजल इसमें सिर्फ एक ही बैटरी मिलती है, हमारे को अलग से कोई बैटरी नहीं मिलती, वैसे लेना ज़रूरी है क्योंकि एक बैटरी उतना ज़्यादा बैकअप नहीं दे पाए। अगर आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो शायद मेरे हिसाब से 2-3 बैटरी एक्स्ट्रा रखो अपने पास, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इसमें एक ही बैटरी मिलती है। जिसको भी GoPro लेना होगा शायद मेरे हिसाब से 11 या 12 दो में से, बस पैसों का फ़र्क है, बाकी ऐसे ही कभी कोई लेता नहीं है इसको, अच्छा है इलाम मेरे हिसाब से। और गाइस ये वीडियो सिर्फ इतनी ही, सिर्फ मेरे को शायद आपके बीच ये चीज़ शेयर करनी चाहिए थी कि भाई मैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या सेटअप ले रहा हूँ, वो चीज़ मैंने आपको अनबॉक्स करके भी दिखाया। GoPro 11 के साथ एक दो एसेसरीज और ली थी मैंने, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई है। और बाकी GoPro में क्या सेटिंग अच्छी रहेंगी आपकी मोटो ब्लॉगिंग के लिए, वॉइस क्वालिटी, वो सब चीज़ ना एक बार मैं खुद से भी ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मैंने भी फर्स्ट टाइम GoPro लिया है, तो पहले मैं खुद से चेक करूँगा आपको, फिर उसके बाद बताऊँगा कि भाई हाँ ये चीज़ और क्या क्या नए फीचर्स अपडेट है इसमें, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही है, जो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग पर, क्योंकि इसमें अब आगे ना बहुत ख़तरनाक ब्लॉग आने वाले, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले, इसलिए आप चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल अभी के लिए बाय बाय।